डायरेक्टली बीत बात होगा, जितना भी आदमी देखे शायद सब घूमेंगे इसमें। देखिए ऐसा बीत बात होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा अपना उधर, हमको तो नहीं लगता ऐसा बीत बात होता है उधर, है ना? देख सकते हैं सब यूनिक होगा, है ना? ये सब देखिए आराम से, ये तो हम लोग का उधर चलता नहीं है। दोनों अच्छा लेडीज हैं सभी, यानी बस वगैरह से आए हुए हैं। देखिए धीरे धीरे सभी उतर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या उसका क्या हुआ, उल्टी कर दिया है। कोई बात नहीं, देख सकते हैं धीरे धीरे, यहाँ देखिए टोटली, और बहुत मजा आने वाला है भाई वीडियो में, समझे। हाय कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम हैं अभी नेपाल में, और नेपाल हम लोग के घर से नज़दीकी है, और हम आए हुए हैं अपने दादाजी के घर, उन्हीं के छत पे हैं अभी। और जस्ट उस साइड दिखाइए थोड़ा सा, देख सकते हैं जस्ट हाईवे के बगल में ही उनका घर है, इधर दिखाइए। और देख सकते हैं यहाँ जो है ना, रात में हम लोग आराम से इधर सोए हुए थे। और खास बात यहाँ देख सकते हैं, चाहे मेला हो या कुछ भी हो, मेला अगर हो, अगर ये चीज ना चले यहाँ, है ना, होगा ही नहीं, यही समझिए थोड़ा यहाँ आवाज का प्रॉब्लम आ सकता है। देख सकते हैं ये है क्या, आप लोग तो जानते ही हैं, हालांकि जो नहीं जानते हैं कमेंट में बता दीजिएगा ऐसे होता भी क्या है। ये है क्या कहते हैं, ताश हुआ खेलने के लिए। और ये देखिए सवेरे सवेरे यहाँ एक कुरकुरे मिल गया। तो विशेष बात यह है कि शादी यहाँ किस टाइप से होता है नेपाल में, और कैसा होता है वो हमारा पूरा ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे। ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है कि नेपाल में किस तरीका से शादी होता है। यहाँ और नेपाल और इंडिया में क्या फर्क है देख सकते हैं, दूल्हा किस टाइप से सजा हुआ है देखिए, है ना, इधर देख सकते हैं, इधर टोटल यहाँ और वहाँ में एक चीज़ अंतर है, क्योंकि हम लोगों में लेडीज ना के बराबर बनाती जाती है, और यहाँ जो है ना ज़्यादातर लेडीज वगैरह ही जाती है बनाती है ना, सभी आदमी जाते हैं। चलिए चलिए आप चला जाए, आप बस भी आ गया, इधर जो भी पहले बीत बात होना था सब कुछ हो गया है यहाँ से, और यहाँ से आप चलते हैं। चलिए ये जो देख रहे हैं गले में सबका, ये सबका सोना ही है, समझे, सबका गला में होगा, उधर भी है देखिए सबका इसमें होगा। चला जा बाहर की तरफ चलते हैं, और ये भी चीज याद रखना होगा कि जितना भी बनाती जाएगा ना सबको, यानी कि टीका देख सकते हैं सबको, है ना, इससे ये पहचान होगा कि ये बराती है और ये सराती है। वहाँ से भी वहाँ भी इसने ऐसा ही माहौल होगा, डायरेक्टली आप दुल्हा बाबू एकदम रेडी हो चुका है, चला जाए। और नेपाली नेपाल नेपाल देखिए ए टू जेड सभी नेपाली जैसे ही लगते हैं ना, है भी सभी नेपाल के, तो नेपाली जैसे लगेंगे, इसलिए हम भी उधर जाते तो हमको भी सब नेपाली ही कहते हैं ना, ऐसा नहीं है भाई, चला जा। और यहाँ देखिए बाहर में सभी टीका लगा रहे हैं, देखिए है ना, जितना आदमी बनाती जाएंगे सब सबको देखिए यहाँ टीका लगाएंगे, है ना, देखिए ऐसा होता है कि हम लोग के उधर नहीं ना। हाँ चलिए थैंक यू, लगा लो नीरज भाई अच्छा से, देखिए है ना, ये भी मेरे चाचू हैं, देखिए हनी सिंह। और चला जाए, और ये रहा देख सकते हैं बेलोनो, और ये है दूल्हा का गाड़ी, और यहाँ इसका दाम कम से कम कितना होगा इसका प्राइस नीरज भाई, कम से कम है इसका दाम, यहाँ कम से कम होगा ना भाई तो 25 से 30 लाख यहाँ दाम होगा ये गाड़ी का, लेकिन हम लोग का उधर मुश्किल से बहुत करेगा तो 12 से 13 लाख रुपया मुश्किल से पड़ेगा शायद। ए बेलोनो का उधर कितना पड़ता है अपना इंडिया में, 12 लाख, यहाँ लगभग 25-30 से कम नहीं होगा ना, देख सकते हैं दूल्हा वाला गाड़ी है, ये पूरा किस तरीका से सजाया गया है, अब देख लीजिए, देखिए नेपाली नंबर है ना,
तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, नेपाल में किस तरीका से शादी होता है पूरा हम ए टू जेड दिखाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप ईद बाद होगा, उसके बाद जो है ना बस दुल्हा बाबू का चेहरा में बड़ा खुशी है आजे भर, कल से तो बीबी का गुलाम बन के रहना ही है भाई साहब। और देखिए यहाँ से डायरेक्टली ईद बाद होगा, जितना भी आदमी है देखिए शायद सब घूमेंगे इसमें। देखिए ऐसा ईद बाद होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा अपना, उधर हमको तो नहीं लगता ऐसा ईद बाद होता है उधर, है ना, देख सकते हैं क्योंकि हमारा भी शादी हुआ है, बहुत शादी देखे हैं, ऐसा होता है वो इंडिया में नहीं ना होता। तो चलिए भाई अब यहाँ से डायरेक्टली लड़की के घर का ही हम सीन दिखाने वाले हैं आप लोगों को, देख सकते हैं। देखिए दुल्हा बैठ गए हैं, ए दुल्हा बाबू हाय, यही गाड़ी में बसाओ ना, नहीं 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 छोड़ दे नहीं ना गाड़ी, हां इतना जल्दी हाय करिए हाय करिए हाय करिए, बैठ जाइए आप लोग, चलिए यहाँ से आप डायरेक्टली चलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मेरा बसंती यहाँ लगा हुआ है, वाह। और देख सकते हैं अंदर पूरा यानी कि गुम गुम बज रहा है। और इस गाड़ी का दाम यहाँ कितना पड़ेगा नीरज भाई? यहाँ 50 लाख है ना। ए चाचू इस गाड़ी का इधर कितना कीमत पड़ेगा नेपाल के? देख सकते हैं इनसे पूछते हैं कितना पड़ेगा गाड़ी का, पड़ेगा इसका 70 लाख रुपए। 70 लाख, आइए ना बैठिए ना, 70 बोल रहे हैं बताइए। यहाँ देखिए बस जो है ना एंट्री कर चुका है, बस भी था और इधर दुल्हा वाला गाड़ी, अपना गाड़ी आगे लग गया है ना। इधर देखिए आप सभी आदमी अब निकलेंगे उधर से, है ना, ये देखिए ये देख सकते हैं आप सभी निकल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। बहुत ज्यादा यहाँ के यहाँ में एक चीज है ना, खाली बस से जाता है ना जी बराती में, बस में क्योंकि अच्छा से सब सेटलमेंट हो जाता है ना, देख सकते हैं देख सकते हैं। आइए आगे से दिखा देते हैं आप लोगों को नजदीक से कौन सा बराती आए हुए हैं, है ना, देख सकते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं सभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, और आप लोग गौर करिए, गौर करके जरूर बताइएगा, देख सकते हैं टोटली यानी कि समझिए जेंट्स वगैरह है ना मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, और जितना भी लेडीज हैं सभी यानी बस वगैरह से आए हुए हैं। देखिए धीरे धीरे सभी उतर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या उसका क्या हुआ, उल्टी कर दिया है, कोई बात नहीं, देख सकते हैं धीरे धीरे, यहाँ देखिए टोटली। और बहुत मजा आने वाला है भाई वीडियो में, समझे, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा, अब यहाँ नाच होगा गान होगा बहुत बातें, है ना। और सभी अपना अपना, अगर जो आदमी ये ब्लॉग देखिएगा, जो आदमी इस वीडियो में होइएगा, है ना, कमेंट कर दीजिएगा, हाँ बड़ा मेहनत से इतना धूप में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, देखिए देखिए। तो चलिए भाई इसी तरह निकलते रहेंगे, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, हम दिखाते हैं आप लोग, देख लीजिए लड़का लड़की का इसमें फोटो है, और ये दूल्हा हो गया, अब दुल्हन हो गया जैसे दिनेश रेजीना है, रेजीना ना, बड़ा यूनिक नाम है लेकिन, है ना, देखिए नेपाली नंबर नेपाली गाड़ी। अब हम डायरेक्टली यहाँ आ गए, आप लोग को दिखाए कौन सा बराती आए हुए हैं, है ना। तो अब धीरे धीरे हम लड़की के दरवाजे पे पहुँच रहे हैं, यानी कि यहाँ कहा जाता है ब्यावली, नहीं जी, यहाँ कन्या को यानी कि ब्यावली कहते हैं, हम लोग दुल्हन कहते हैं, कन्या कहते हैं देसी भाषा में, है नीरज भैया, यहाँ कहते हैं ब्यावली ब्यावला। चलिए सो बहुत अच्छा, नेपाल का भी आप लोग शादी देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा ना गाना बज रहा ना, जिसके कारण हम ब्लॉग शायद नहीं बना पाएंगे, जो सोचे थे हुआ नहीं, यही समझिए। सूरज भाई उधर नाराज होकर बैठे हुए हैं, क्या करिए, उदास है बेचारा। यहाँ देख सकते हैं शादी हो गया, और भाई क्या ना बताएं, बाजा इतना ज़्यादा बज रहा था ना, जिसके कारण से हम शायद बहुत ज़्यादा कॉपीराइट भी आ सकता है, और हल्ला भी बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इधर देख सकते हैं कि नेपाली गाना में आप लोग को तो समझ आया होगा नहीं, बट कोई नहीं, स्टार्ट है। इधर भी देख सकते हैं हमारे सूरज भाई वगैरह सभी आए थे, और ख़ास तौर पे भाई शायद ये हुआ ना, हम तो बहुत बार देखे हैं,
बट आप लोग फर्स्ट बार शायद हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखे होंगे कि नेपाल में शादी कैसे होता है ना। इधर मंडप दिखाते हैं, जिस तरह हम लोग का उधर मंडप बनता है ऐसा इधर बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ देखिए सबसे अलग है, देखिए है ना, ये सबसे अलग है। जैसे कि होता नहीं है, देखिए केला का थंब है चारों साइड और बीच में एक है जो से पूरा ओरिजिनल केला के जैसे। यहाँ देखिए इनको काट दिया गया है, समझे भाई। बहुत अच्छा से दिखाते हैं, गाना बजने के कारण से ना हम खुद परेशान हैं गाना से और वीडियो नहीं शूट कर पाए। और इधर यहाँ देखिए इन्हीं का गांव है, इनको तो पहचानते होंगे है ना। तो चलिए आप यहाँ देखिए इसलिए आप विदाई होगा, यहाँ बोर लगाए वगैरह हो रहा है, अब यहाँ इनके बाद हो जाएगा विदाई है ना। विदाई का रस्म अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खैर यहाँ का नज़ारा कुछ मस्त, यहाँ देख लीजिए। अब नेपाली भाषा में डांस हो रहा है, समझे। यहाँ देख सकते हैं विदाई का ये सब कुछ है। देख सकते हैं वो गला में जो है ना ये वाला, देख ये नेपाल में जो है ना ये कंपलसरी है, वो जो है ना उसी को कहते हैं मंगलसूत्र है ना, कंपलसरी है। हाँ, और ये देखिए ये तो एकदम यूनिक होगा है ना, ये सब देखिए आराम से। ये तो हम लोग का उधर चलता नहीं है, एक दूबा का माला है, देखना ये लड़का बढ़िया है वो लड़की बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, वो लड़की अच्छा है, नहीं दोनों अच्छा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोनों क्या है। देखिए वो फूल का है, वो जो है दुबड़ी समझते ना उसका बना हुआ है माला, सब कुछ अलग है। वो सोना का है जो गले में है, सबके पास है, देख रहे हैं इनके भी में भी है, उनमें भी है, सभी के गले में होगा। देखिए जिनके जिनके गले में आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ का सब कुछ अलग होता है। हेलो, खाना पीना हो गया जी? है खाना पीना हुआ? हो गया। चलिए ठीक है, इधर डांस पार्टी चल रहा है, ऐसे इधर चलता है भाई डांस, उसमें कंपलसरी है समझिए, डांस नहीं होगा तो शादी ही नहीं होगा, ऐसा कुछ है। सो चलिए आगे दिखाते हैं इस इधर का शादी किस तरीका से होता है भाई। गाना बजाना है तो कंपलसरी है, और बहुत ज़्यादा गाना बजेगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा है ना, हमारा चैनल को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमने बहुत सारा क्लिप को मिस किया, इसके लिए सॉरी। बट जो भी आप लोग को दिखाया एकदम ऐसा ही होता है शादी, जो जो जैसे कि मंडप हो गया डिफरेंट रहता है अपना उधर से, और जो खाना पीना होता है तो यहाँ ज़्यादातर जो है ना मुर्गा मीट मसलन यही सब बनता है, और समझिए साधारण भोजन का भी शायद व्यवस्था था, हम देखे नहीं। कोई बता रहा था कि जैसे चूरा और दही ये था, पता नहीं हम देखे नहीं। खैर सभी अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, बराती हो गया शादी ब्याह, देख लिए कैसे होता। और आप लोग बताइएगा यहाँ का शादी और वहाँ का शादी में क्या अंतर है, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा है ना, ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। देख रहे हैं इधर सभी अब अपना अपना जगह लेंगे, बस पे चढ़ेंगे, फिर उसके बाद एकदम चलते बनेंगे। उधर हमारा गाड़ी खड़ा है और इधर हम लोग भी तैयार हो गए हैं। अब यहाँ देखिए अब जाने की तैयारी चल रहा है, अब यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसे अब नीरज भैया चला जाए है। अब यहाँ क्या करना है कुछ नहीं, बस गाना के कारण भाई ब्लॉग हमारा थोड़ा सा मिस हुआ है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम खुद। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ अब दादी हैं और साक्षी सोनाक्षी हैं, अब यहाँ से चला जाएगा डायरेक्टली, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चलेंगे है ना। और अब यहाँ से बैठ जाइए, और इधर ये जो है ना ये मेरी आंटी है, इन्हीं का देवर का शादी था यानी मेरे अंकल का छोटे वाला, हाँ शादी ब्याह होगी।